हेलो बच्चों, यहाँ पे हमने एक सवाल लिया है। रैखिक समीकरण एम एक्स माइनस एन वाई माइनस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इजक्वल टू जीरो और दूसरा है यहाँ पे एक्स प्लस वाई माइनस टू एम इजक्वल टू जीरो को वज्र गुणन विधि द्वारा हल कीजिए। तो इन रैखिक समीकरण को वज्र गुणन विधि द्वारा हल करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, पहले इसके कोफिशियंट हम लिख लेते हैं। जैसे एक्स के साथ यहाँ पर क्या है एम है और यहाँ वाई के साथ क्या है माइनस का एन, ठीक, इसका कोफिशियंट। और जो c है वो पूरा लिखा जाएगा माइनस का एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ऐसे ही अगर इस दूसरे वाले समीकरण का हम कोफिशियंट देखें तो यहाँ x के साथ यहाँ वन है और ऐसे y के साथ यहाँ पे वन है और जो कांस्टेंट है वो माइनस का लिखा है टू एम, ठीक। ये हमने यहाँ सबके कोफिशियंट लिख लिए हैं यानी गुणांक लिख लिए हैं। अब जैसा कि हमें है ना यहाँ पे x और y हैं दोनों का मान निकालना है, तो जब हम x का मान निकालेंगे तो उसके नीचे हमें क्या रखना है, देखो यहाँ पे ये वाली लाइन छोड़ देना है और ये जो नंबर्स हैं इनको इधर से गुणा कराना है ना। इन दोनों का गुणा होगा यानी माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई जब हुआ प्लस हो जाएगा और 2m का मल्टीप्लाई n में होगा तो ये बनेगा 2mn, ठीक है। हमने क्या किया, इस वाली लाइन को छोड़ा है क्योंकि x अपॉन लिख रहे हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया प्लस का 2mn। उसके बाद माइनस लगाना है ना, और अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना है तो वन का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो यही रहेगा पूरा, है ना, क्योंकि वन है ये और ये माइनस के साथ है यानी ये माइनस आएगा अगर उससे मिलेगा तो यहाँ पे माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस और ये रहेगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू। अब यहाँ पर लिखेंगे माइनस वाई, है ना। अगर हम यहाँ माइनस वाई नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जब हम वाई वाई लाइन छोड़ेंगे तो हम इधर से जो मल्टीप्लाई करा रहे थे अभी वो हमें इधर से कराना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि माइनस लिख लेते हैं और जो सीक्वेंस हमने एक्स के लिए लिया था ना, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें, है ना, वही यहाँ पे करेंगे। अब वाई के नीचे देखो वाई वाई लाइन छोड़ देंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई यानी माइनस टू एम का मल्टीप्लाई एम में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का टू एम स्क्वायर, ठीक, एम का एम में एम स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर अब बीच में माइनस लगाना है और इधर से इसका मल्टीप्लाई इसमें होना है तो वन का मल्टीप्लाई माइनस इसमें करेंगे तो वही आएगा, है ना, माइनस के साथ। अब ये माइनस फिर से आ रहा है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और ये रहेगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन, है ना। अब जब कांस्टेंट की बारी आती है तो इसको हटाते हैं और यहाँ वन लिखते हैं, वन अपॉन, है ना, इसको भूल जाएंगे। अब इसमें देखो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे वन का एम में तो एम रहेगा और माइनस लगाएंगे और वन का मल्टीप्लाई एन में कराएंगे माइनस एन में तो माइनस एन होगा और ये माइनस पहले से था तो ये प्लस हो जाएगा एन, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको और भी सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो ये लिखा है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस टू एम एन ना, तो ये बनेगा एम प्लस एन का होल स्क्वायर। ये सबको पता होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। ऐसे एम एन है इक्वल टू माइनस का यहाँ पर देखो वाई है, यहाँ देखो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस का यहाँ पे टू एम स्क्वायर है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एन स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं और यहाँ एम स्क्वायर है और माइनस का टू एम स्क्वायर यानी एक एम स्क्वायर में से अगर हम टू एम स्क्वायर माइनस करेंगे तो माइनस का एम स्क्वायर बचेगा इक्वल टू यहाँ पर वन अपॉन एम प्लस एन, यही रहेगा। अब देखो यहाँ पर तीन चीज़ें आपस में बराबर हैं और हम इन दोनों को लेंगे यहाँ से तो x की वैल्यू निकलेगी और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो y निकलेगा। तो पहले हम लेते हैं x अपॉन m प्लस एन का होल स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन m प्लस एन, ठीक है। x की वैल्यू निकालना है, x के साथ जो डिवाइड में है इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इक्वल टू m प्लस एन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई m प्लस एन, ठीक है। तो देखो m प्लस एन यहाँ दो बार है यहाँ एक बार है तो एक बार से एक बार कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा m प्लस एन यानी x इजक्ल टू आ गया m प्लस एन, ठीक है। तो ये हमने x का मान निकाल लिया है। अब y वाला देखेंगे तो इन दोनों को आपस में बराबर कर लेंगे तो माइनस का y अपॉन में ये लिखा है एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इजक्ल टू वन अपॉन एम प्लस एन यानी अब कि हम इस बार हमने इन दोनों को इक्वल किया है। अब देखो यहाँ वाई के साथ ये डिवाइड में है
इधर जाएगा मल्टीप्लाई, यानी ये माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन में एम प्लस एन। अब देखो यहाँ एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर है ना, ये ऐसे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं एन प्लस एम और एक ब्रैकेट में और दूसरे में एन माइनस एम और नीचे एम प्लस एन है। तो यहाँ देखो ये और ये सेम है, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ माइनस वाई इक्वल टू बचेगा एन माइनस एम, और ये माइनस अगर हम इधर भेज दें तो ये माइनस जब इधर आएगा तो जो प्लस में है उसको माइनस कर देगा और जो माइनस में है उसको प्लस कर देगा, है ना, एम प्लस हो गया। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वाई इक्वल टू एम को पहले कर लें एन को बाद में, है ना, तो एम माइनस एन, ये वाई की वैल्यू निकल के आई है और ये एक्स। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। कौन सी विधि है ये? वज्र गुणन विधि।